ग्रामीण पर भी केस दर्ज हुआ है। फिलहाल आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई, महिला को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, महिला के साथ दबंगों ने ज्यादती की थी, गैंगरेप किया। महिला के मोबाइल से ऑडियो सामने आया था, महिला ने गैंगरेप के बाद अपने भाई को पूरी बात बताई थी। रजपुरा थाने के बड़े पाठकपुर का मामला। तो आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई, पूरे मामले पर निष्क्रिय बनी रही थी पुलिस, लेकिन जब भारत समाचार ने एक खबर प्रमुखता के साथ दिखाई उसके बाद जागी और फिलहाल 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हत्या और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके ही अपने परिवार के वो लोग थे, जेठ, भतीजे, कुछ ग्रामीण। फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला ने गैंगरेप के बाद फोन किया था अपने भाई को और बिलख रही थी उस फोन कॉल पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील राघव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुनील, भारत समाचार ने खबर जब प्रमुखता से दिखाई तब जाकर जागी थी ये निकम्मी पुलिस, आखिरकार मुकदमा दर्ज हुआ 5 लोगों के खिलाफ। हेलो, हाँ, मैं बताना यहाँ चाहूंगा कि भारत समाचार प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और काफी भागदौड़ की जा रही है। आरोपियों की सिर्फ गिरफ्तारी की, लेकिन जब समाचार भारत समाचार पर खबर चली उसके बाद पुलिस प्रशासन जागा और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गैंगरेप और दरिंदगी और बलवा इन सभी धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। इन सब के बीच सुनील आपसे जानना चाहेंगे, कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या किया गया? क्या केवल मुकदमा दर्ज किया गया है या फिर सक्रियता नजर आ रही है, पुलिस की गंभीरता नजर आ रही है गिरफ्तारी को लेकर भी? भारत समाचार पे जब कल से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है तब से पुलिस परेशान है और शीघ्र आरोपियों के पीछे टीमें लगा दी गई हैं जिससे कि शीघ्र गिरफ्तारी हो सके और अपना जो अपनी अब तक की जो किरकिरी हुई है उसको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये देखने को मिला था कि फौरी तौर पर इस पूरे मामले में जो ऑडियो कॉल थी उसको मानने से इनकार कर रही थी पुलिस और मामूली धाराओं मुकदमा दर्ज कर रही थी। जी, इसमें एक और जानने वाली बात है कि बिना मीडिया के स्टेटमेंट मांगे ही कप्तान ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे करके और जारी कर दिया था जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि महिला का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि इसके साथ में कोई दरिंदगी नहीं हुई है, जबकि ऑडियो क्लिप सीधे सीधे कह रही है। और जब मीडिया ने सभी लोगों ने जब चलाया और प्रमुखता से भारत समाचार ने चलाया तब इनकी आंखें खुली और इन्होंने देर रात्रि मुकदमा दर्ज करके गंभीर धाराओं में और 5 लोगों को आरोपी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सुनील राघव। फिलहाल जेठ और भतीजों के साथ साथ ग्रामीण पर भी केस दर्ज किए गए। 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हैवानियत की थी इस महिला के साथ। आप बीती सुनाई थी, अपने भाई को फोन किया था, तो वहीं संभल में गैंगरेप के बाद अब यूपी पुलिस ने मामले पर ट्वीट किया है। डीजीपी ने घटना को गंभीरता से लिया है, इस ट्वीट में लिखा हुआ है। वहीं संभल एसपी को डीजीपी ने निर्देश दिए, आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, कानूनी सजा देने के सख्त निर्देश, रहमोकरम नहीं किया जाए इन दरिंदों पर, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है इस ट्वीट के माध्यम से कि निर्देश दे दिया गया डीजीपी की तरफ से एसपी संभल को कि सख्त कार्रवाई कीजिए, एसी वाले कमरे में बैठने के लिए आपको नहीं पोस्ट किया गया है संभल में, कि मोटी सैलरी लीजिए, बड़ी गाड़ी में घूमिए, अपना रौब झाड़िए, इसके लिए आपको पोस्ट नहीं किया गया वहां पर। फिलहाल संभल में गैंगरेप के बाद अब हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले पर डीजीपी ऑफिस की तरफ से ट्वीट, यूपी पुलिस का ट्वीट, जिसमें कहा गया कि डीजीपी ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया। ये देखिए, यह ट्वीट किया गया, डीजीपी यूपी हैज टेकन द इंसिडेंट वेरी सीरियसली एंड डायरेक्टेड एसपी संभल पुलिस टू इमीडिएट अरेस्ट द एक्यूज्ड एंड इंश्योर स्ट्रिक्ट लीगल पनिशमेंट टू द एक्यूज्ड। यानी साफ तौर पर कहा गया है कि सख्त कार्रवाई करिए। घटना को गंभीरता से लिया और बागपत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां ससुराल वालों ने बहू से